इसका समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ। अभी यहाँ पे वापस आया हूँ मैं वाइट टाइगर देखने के लिए, और यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, मतलब दिख रहा है पे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए पुणे के जू में, जो कि आता है पुणे के कात्रज में। तो मैं हूँ अभी कात्रज बस स्टैंड के पास। तो सामने अभी आप मेरे देख सकते हो, वो है कात्रज बस स्टैंड। अगर आप बस से आते हो तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको बस छोड़ेगी, और जू आपका यही से बाजू में आता है, मतलब आपको इधर से थोड़ा आगे जाना है 100 मीटर पे, तो वहीं पे लेफ्ट साइड में आपका जू आ जाएगा। अगर आप बाइक लेके आते हो, जैसे कि मैं बाइक लेके आता हूँ, बाइक के लिए पार्किंग के लिए आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइक और कार पार्किंग वगैरह होती है, तो बाइक कार रहते हो तो यहाँ पे लाना बस स्टैंड। यहाँ पे बस स्टैंड के बाजू में आपको यहाँ पे बाइक पार्किंग मिल जाएगा। बाइक पार्किंग का मुझे 10 रुपये लिया है यहाँ पे। तो अभी बाइक पार्किंग करके हो चुका है अभी, तो अभी चलते हैं सीधा जू में, जो कि बाजू में ही है। यहाँ पे कुछ ऐसे आपको खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो मैंने सुना है अंदर जू के अंदर आपको खाने पीने का कुछ मिलता नहीं है, तो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे खा के जाना, नहीं तो बाद में वापस रिटर्न आते वक्त खाना। तो मैं तो अभी यहाँ पे कुछ खाने पीने का प्लान बनाया नहीं, अंदर जाऊँगा घूम के आऊँगा, उसके बाद देखूंगा खाने पीने के लिए। तो ये जू आता है महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के कात्रज शहर में। पुणे से इसका डिस्टेंस है 10 से 11 किलोमीटर, तो आप बस से बहुत ही आसानी से यहाँ पे पहुंच सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे बाजू में बस स्टैंड है, और अगर आप ऑटो करके आना है तो यहाँ पे ऑटो करके भी आप आ सकते हो। और पुणे सिटी होने के कारण यहाँ पे आपको ओला उबर भी आसानी से मिल जाएगा, तो आप ओला उबर से भी यहाँ पे आ सकते हो। तो अभी हम लोग आ गए राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड सेंटर। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हर वेनेसडे को ये जू बंद रहता है, मतलब हर बुधवार को ये जू बंद रहेगा। और जू का टाइमिंग है यहाँ पे 9:30 से 5:30 बजे तक। और टिकट के प्राइजेस कुछ ऐसे है कि आपको अडल्ट के है मतलब 40 रुपीज, बड़े लोगों के है 40 रुपए, अगर बच्चे है उनके 10 रुपए, और वो भी 4 फीट 4 इंच से हाइट कम रहेगा बच्चे का तो 10 रुपए लागू होगा। अगर आपका बच्चा 3 साल से कम है तो फ्री होगा उसका। तो अगर आपको घर बैठे बैठे निकालना है तो सबसे बेस्ट रहेगा आप स्कैन करके ऐसे टिकट निकालो, जो कि टिकट निकालने का 2 ऑप्शन है, एक ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। अगर आपको ऑफलाइन निकालना है, जैसे कि ये गेट है, ये गेट के आपको ऑपोजिट में यहीं पे आपको टिकट काउंटर देखने मिलेगा, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, पर आपको वीकेंड में यहाँ पे बहुत रश होता है, तो सबसे बेस्ट रहेगा आप घर बैठे बैठे स्कैन करके निकाल सकते हो। तो मैं कैसे स्कैन करने का आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शॉर्टली। तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा यहाँ पे। तो पहले आपको यहाँ पे डेट दिखेगा, जैसे आपको जो डेट पे आना है वो डेट आप घर पे बैठ के भी सिलेक्ट कर सकते हो, बुक कर सकते हो। और दूसरा आपको ये आपका नाम यहाँ पे फिल करना है, उसके नीचे ईमेल आईडी, और उसके नीचे आपको यहाँ पे फोन नंबर फिल करना है। फिर नीचे आपको यहाँ पे देखने मिलेगा आपको टिकट के जो प्राइजेस है, तो यहाँ पे आप जितने लोग है उतना आपको प्लस करते जाना है, 10 लोग है 10 प्लस कर सकते हो, अकेले तो अकेले। फिर नीचे जाके आपको यहाँ पे नीचे पेड करना ऑनलाइन, तो आप उस पर गूगल पे या किसी भी कौन से भी बैंकिंग ऐप से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन टिकट निकालने पे कुछ ऐसा टिकट आया हमारा, तो जैसे आप टिकट स्कैन वगैरह करा के अंदर आओगे तो सामने कुछ आपको ऐसा देखने मिलेगा, सामने जू लिखा है, तो उसी के राइट साइड में आपको यहाँ पे मैप देखने मिलेगा। तो ये कुछ मैप है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, आगे आपको घूमने में मदद करेगा। तो हम लोग अभी यहाँ पे है, यहाँ से हम लोग अभी लेफ्ट करके लेफ्ट में है 1 2 3 जो पॉइंट है उस हिसाब से आपको कवर करना है। तो हम लोग ये कवर करके फिर ऐसा जाएंगे। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे देखने के लिए, जो कि स्नेक का है, और यहाँ पे वाइट टाइगर है जो कि 40 नंबर पे है, जो कि उसे देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ पे। और आगे लायन वगैरह, लायन वहाँ पे बहुत एंड में है, तो बहुत बड़ा जू है ये, और बीच में ही लेक है यहाँ पे, तो चलते हैं। तो जैसे ही अभी अंदर आते हैं आपको ये सर्कल देखने मिलेगा, तो हमें जाना है यहाँ से अंदर, तो यहाँ से अभी अंदर चलते हैं, और यहाँ से हमारा पूरा लोकेशन चालू होगा। तो यहाँ पे भी मंकी है, तो मंकी देखने में इतना इंटरेस्टेड भी हो, हाँ बच्चे लोग अगर आते हैं आपकी फैमिली के साथ आ रहे हो तो उनको देखने में मज़ा आएगा। अभी आते ही आपको अभी स्टार्टिंग में ही एक लग गया, वहाँ पे केज वगैरह खोला है अभी। देखो आ रहे हो एक एक करके आ रहे आगे, ये बंदर तो आपको बहुत सारे जगह पे ऐसे देखने मिल जाएंगे। हाँ, पर मैंने जैसे बोला बच्चे लोग अगर आते हैं उनको देखने में मज़ा आएगा यहाँ पे मंकी वगैरह। तो यहाँ का मुझे एक अच्छा लगा कि यहाँ पे ऐसा ओपन टाइप का आपको केज देखने मिलेगा, जो कि सही है। तो बाइक वाला जू के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, बहुत वायरल हुआ था, उस पर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन थे कि यहाँ पे एनिमल हम लोग जाते जब देखने नहीं मिलते, आप लोग फंसाते ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एनिमल देखने वाले, ये कोई सर्कस का एनिमल नहीं है, ये जंगली जानवर है, अपने हिसाब से आते हैं। और बेस्ट टाइमिंग होता है कहीं पर भी जू पर जाने का, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जाओगे तो आपको एनिमल देखने मिलेंगे, दोपहर के धूप में जाओगे तो उनका आराम करने का टाइम होता है, तो उस बीच में आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो मैं भी अभी यहाँ पर मॉर्निंग में आओ, देखते कितना एनिमल देखने मिलता है, वो सब आपके लक के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना देखने मिलता है। यहाँ पे आपको स्नेक जोन देखने मिल जाएगा, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रैट स्नेक का
देखने मिलेगा। तो सामने दो तीन राइड्स लेके यहाँ पे देख सकते हो, फुल एक्टिव है। स्नेक हाउस का मुझे यहाँ पे बहुत ही फेमस जो कि है यहाँ का अजगर। भाई क्या लग रहा है, ऐसा डमी लग रहा है मेरे को। यहाँ पे लोग देखो, उनका साइज लगा लो, ऐसे ही करके बैठा है अभी, वहाँ पे भी हिलने का नाम नहीं ले रहा है। ये सब बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें अगर काट लिया आपका बचना बहुत ही मुश्किल है। तो इसे रसल वाइपर करते हैं। तो रसल वाइपर के पीछे आपको यहाँ पे कछुआ देखने मिलेगा, कुछ ऐसा दिखता है। तो फिलहाल देखने को मिल रहा नहीं है। इगुआना ऐसे रंग बदलने में होशियार रहता है, ऐसे दिखता नहीं है ये। तो यहाँ पे है बैंडेड रेसर, तो रेसर हमारा यहाँ पे है। तो लड़कियाँ बोल रही थी कि यहाँ पे ये सब जिंदा है, मतलब नकली लग रहे हैं, मतलब असली है कि नकली है। असली है यहाँ पे इतने जितने भी स्नेक है सारे असली। अब ये शांत बैठे यहाँ पे हिल रहे नहीं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये हिल रहा नहीं बिल्कुल। इसे देख के लोगों को लगा था नकली। देखो अभी बाम्बू पीट वाइपर, भाई ये मैंने मैं से उसके साथ एक क्या रखा है वो इसमें। तो यहाँ पे आपको ऐसा एरो देखने मिलता है, जैसे कि आप यहाँ से आते हो तो यहाँ पे आपको दिस वे करके दिया, तो आपको ऐसा करके आगे जाना है। पर यहाँ पे ऐसा नंबर वगैरह दिया नहीं है, सामने देख सकते हो वहाँ पे एरो दिया है। भाई यहाँ पे मगरमच्छ है, इसको भाई नकली लग रहा है, तो पूरा नकली लग रहा है। अभी कैमरे में इतना दिखता नहीं रहेगा, पर रियल में बहुत ऐसा नकली लग रहा है देखने में, बहुत ही अलग है मगरमच्छ। तो ये मगरमच्छ तो बहुत सही है यार। और आपको अगर ये बोल दूँ तो ये हमारा इंडियन मगरमच्छ है, मतलब आपको इंडिया में देखने मिलेगा, गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी के पास आपको ये वाला मगरमच्छ देखने मिलेगा। तो यहाँ पे घरियाल है, मतलब इंडियन घरियाल हमारा, और इसी के बाजू में यहाँ पे ये देखो भाई, ये नकली लगते, सच में नकली लग रही है मेरे को। सबका क्वेश्चन यही है इधर आके, यहाँ पे इसको देखो कैसे पड़ा हुआ है, ये एकदम नकली लग रहा है देखने में, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखो भाई व्हील चेयर में आए यहाँ पे देखने के लिए, तो देखने जैसा है, आपको जू वगैरह आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे कई सारे सेल्फी पॉइंट देखने मिलेंगे, तो यहाँ पे आप आके सेल्फी वगैरह निकाल सकते हैं। जू की बहुत अच्छा है, ऐसा जू में बनना चाहिए। तो आगे अभी यहाँ पे कोबरा के पास नाग, तो यही पे मेरे सामने ही एक। पाइथन अजगर जो भी बोल सकते हैं आप इसे, चलते हैं भाई। तो स्नेक हाउस तो हम लोग का देख के हो चुका है, यहाँ से अभी आगे जाएंगे हम लोग स्नेक हाउस। मस्त मैं बोलूँगा आप देखना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे नो एंट्री आगे जाने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे किसी का तो केज बन रहा है, बहुत ही अच्छा एनिमल आ सकता है यहाँ पे भी, जो कि अच्छा है। मेरे को लगता है अभी दो चार महीने में इसका काम कम्प्लीट हो जाएगा, तो चलते हैं। हाँ यहाँ पे अभी अंदर जाने के लिए रास्ता दिखाया, तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे लेक के पास। तो पीछे देख सकते हो ये लेक है, तो लेक के बीचों बीच ये पूरा जू है। तो यहाँ पे इस केज के अंदर आपको यहाँ पे मोर रखा हुआ है, पर बहुत ही हाइट पे यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा भी नहीं है, वहाँ पे मोर है, दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिखना तो चाहिए। तो नीचे यहाँ से आपको लेक का व्यू देखने मिलता है, और पीछे पिकॉक है, अगर आपने नहीं देखा रहेगा तो जाके देख सकते हो। ऐसा प्रॉपर तो दिखता है नहीं, तो अगर आपके साथ पूरी मतलब फैमिली एज वाले तो ज़्यादा, मैं तो बोलूँगी यहाँ पे नीचे आना नहीं इतना। तो अभी हम लोग आगे वापस उसी पॉइंट पे, तो सामने देख सकते हो जहाँ से हम लोग आए थे ऐसे गए, हम लोग स्नेक वाला सेक्शन पूरा करके आए, और सामने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो देखने मिलती है, बग्गी जो आपको घुमा सकता है। अगर आपके फैमिली में कोई भी है जो
चलने फिरने में थोड़ा प्रॉब्लम है उनको, तो आप ऐसा बग्गी करके जा सकते हो। पर पर्सन 40 रुपीज़ है। और ये आपको एनिमल वाला सेक्शन घुमाएंगे, स्नेक वाला नहीं घुमाएंगे, स्नेक वाला प्रॉपर रास्ता है नहीं, मतलब जो बग्गी को जाने के लिए, तो एनिमल वाले सेक्शन के लिए आपको यहाँ पे घुमाएंगे, वो भी सिर्फ 40 रुपये में। तो यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है, तो चलो यहाँ पे भी जाते, देख के आ ही जाते। तो जू देख सकते हो कितना अच्छे से बना है यहाँ पे, तो ये भी बायकाला जू जैसा बहुत अच्छा बना है, और ऑलरेडी काम अभी चल रहा है अभी अभी, तो ये भी जू बहुत ही अच्छा बन जाएगा मेरे को लगता है 5-6 महीने में ये जू बहुत ही अच्छा दिखने में बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है दिखते हैं, यहाँ पे बिल्ली है लगता है, जंगली बिल्ली, ये तो सेम बिल्ली लग रही है अपने इधर की, घर की बिल्ली लग रही है। ये जंगली लग रही है कहते हैं इसे। तो यहाँ पे कुछ ऊपर जाने के लिए रास्ता है, चलते हैं। इंडियन गेंट स्क्विरल, इंडियन है, और बायकाला जू और इस जू में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये जू बहुत बड़ा है बायकाला जू से। बायकाला जू में मतलब बायकाला में एक्चुअली मुंबई के बीच में वो जू, तो उसको ऑलरेडी जगह बहुत कम है, तो यहाँ पे ये जगह की कमी नहीं है पुणे में, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब ये जू है, और एनिमल के लिए बहुत सारा अच्छा स्पेस दिया, ओपन स्पेस दिया खास करके, तो सभी एनिमल एकदम ओपन में है। तो यहाँ पे स्लॉट बियर है मतलब भालू, हाँ 2-3 है वहाँ पे। थैंक यू। नाम क्या है अपना, नाम तो बताओ। युवराज, चैतन्य, प्रिंस। कहाँ से हो आप लोग? पुणे से? पुणे से, पुणे। अच्छा, जो दिया देख रहा हूँ सामने। तो जैसे भालू खत्म हो जाएगा आपको यहाँ पे सामने लेपर्ड के लिए एरो दिया है, तो हम लोग अभी जाएंगे लेपर्ड देखेंगे। तो मेरे को अभी वाइट टाइगर देखना है यहाँ का, जो कि बहुत रेयर है वाइट टाइगर, तो मैं भी बोलना चाहूँगा आओगे तो आप वाइट टाइगर देख के जाना। और अभी करेंट में वाइट टाइगर है कि नहीं पता नहीं मुझे, तो लेपर्ड के एरिया में आ गए हम लोग, वहाँ पे लेपर्ड ऊपर है। तो यहाँ पे शायद से लायन है, आई थिंक है, तो टाइगर है शायद से, तो उसके लिए यहाँ पे इतना बड़ा केज रखा है यहाँ पे, फुल ओपन वाला, वहाँ पे ऐसा गुहा टाइप बनाया उसको बैठने के लिए है, कहाँ पे यार पानी में होना चाहिए मुझे लगता है। तो यहाँ पे है ये टाइगर, सही बोला। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे वाइट टाइगर, ये टाइगर बहुत ही रेयर था, इसका कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, स्टॉप करके पढ़ सकते हो। तो चलते देखते कहाँ पे दिखा गया वाइट टाइगर, अभी तक नहीं। तो वाइट टाइगर देखने नहीं मिला, देखते हैं नेक्स्ट दूसरा एनिमल आते टाइम देखते, अगर वाइट टाइगर देखने मिला तो अभी फटाफट आगे जाता हूँ मैं। तो ये वाइट टाइगर और लेपर्ड के सामने आपको यहाँ पे हिरन देखने मिलेंगे, तो बहुत सारे हिरन है, स्पॉटेड डियर से बोलते हैं, नाम पता है मेरे को। ये देखो कितना बड़ा है। तो यहाँ पे हिरन है, जैसे टाइगर और लेपर्ड देख लोगे इसके ऑपोजिट में, टाइगर और लेपर्ड तो बहुत इजी में देखने मिलेगा, वाइट टाइगर साला दिखा नहीं, कहाँ पे अंदर छुपके बैठा, आते टाइम इसमें देखूंगा मैं। तो अभी आगे जाते, लायन वगैरह है और एलिफेंट वगैरह है वो भी, और 2-4 एनिमल है वो आगे, वो देख के फिर आते। और अगर ये रास्ता है कि पता नहीं मुझे रहेगा, तो मैं वापस वाइट टाइगर देखने जाऊँगा, मुझे देखना वाइट टाइगर। तो अभी हम लोग पहुँच गए ब्लैक बक चिंकारा के पास, देख सकते हो वहाँ पे ब्लैक बक चिंकारा। तो ये वही है जो हमारे सलमान भाई के खास दोस्त लोग, तो ये वही ब्लैक बक है। तो अभी सलमान खान को ढूंढते लोग आगे पुणे, पुणे से जाएंगे हमें लगता नेशनल पार्क मुंबई के, नहीं तो बायकाला जू, उसके बाद बांद्रा। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। तो मजाक की बात साइड में, पर ये ब्लैक बक बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते दिखने में, और बहुत सारे ब्लैक बक यहाँ पे देखने जैसे है। और इनकी ये भी संख्या भी बहुत कम है शायद से, ऐसा कुछ है, बहुत अच्छे दिखते हैं लोग। तो ब्लैक बक के सामने आपको यहाँ पे आपको नीलगिरी देखने मिलेगा, नील गाय भी बोलते हैं इसे, तो ये एकदम गाय जैसी दिखती दिखने में सच में भी। तो अभी दिख रही नहीं आ रहा वहाँ पे, तो यहाँ पे अभी वो वहाँ पे छाँव में बैठे हैं यहाँ पे लोग, हाई ना इधर बच्चा लेके जा रही, मेरे को लगा किसको तो ये अपना बच्चा लेके जा रहा है, वुल्फ है वुल्फ।
मेरे लिए कुछ तो खाने के लिए मिला, उसको लेके जा रहा, पर एक्चुअली मैं अपना बच्चा लेके जा रही थी। और बंदर भी आया उधर, ये तो वाइल्ड बंदर है भाई, अंदर घूम रहा है, इसको जमा कर लेगी इधर जू वाले। तो ये हाइना का सेक्शन है यहाँ पे, वो उल्फ है, तो अब उल्फ दिख गया था उधर हाइना। तो यहाँ पे सोया है हाइना, यहाँ पे हम लोग ने इंडियन उल्फ देखा था, ये अभी तो उधर पीछे भाग गया, अभी दिखेगा नहीं, तो वापस बच्चे लेके आई। ये पानी में लेके जा रही है, कुत्ते के बच्चे से दिख रहा हो। सो रहा हो, समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ। ये ऐसे एनिमल मतलब जो जंगली जानवर या बिल्ली हो गई, ये सब अपने बच्चे का जगह मतलब जब बच्चे को जन्म देने के बाद उसको बहुत बार उसका जगह चेंज करते हो बच्चे को रखने का, तो वैसे कुछ कर रही है शायद से, अभी जगह ढूंढ रही है सेफ एक बच्चे को अपने रखने के लिए शायद से। तो पहले मुझे लगा वो अपने बच्चे को पानी में डाल रहा है, मतलब कुछ उसका बच्चा नहीं, ऐसा भी हो सकता, पता नहीं था मुझे। और अपने बच्चे को लेकर घूम रही है सेफ जगह पर लेकर जाके रखने के लिए, तो इसलिए जगह ढूंढ रही थी। चलो ये भी देखने मिला यहाँ पे, तो ये सब बहुत रेयर होता है एलिफेंट। चलो तो एलिफेंट एक्चुअली मैं वहाँ पे, तो इसके पहले मैं यहाँ पे लायन देख लेते, तो सामने है वहाँ पे लायन, छाँव में बैठा है। हाँ लकड़ा काली थोड़ा मोटा है, मग खरा मोबाइल मुझे फर्स्ट किसी में। यहाँ पे हम लोग का लास्ट, अभी ये एलिफेंट हाथी, इसके बाद शायद से बंद है, यहाँ पे रास्ता आगे नहीं दिख रहा मुझे। दो हाथी है, तो यहाँ पे तो हम लोग का अभी पूरा घूम के हो गया, मतलब लास्ट तक गया मैं यहाँ पे, बहुत बड़ा ही है। तो मैं तो आपको सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप वो जो बग्गी इलेक्ट्रिक वो अगर कर सकते तो आप करो, थोड़ा इजी रह जाएगा। और भागते सही, इनकी स्पेशलिटी है, लोग कभी भी सीधा नहीं भागते। तो देख सकते हो इलेक्ट्रिक कार में जाने का फ़ायदा, तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ ही साथ में देते कि वो प्राणी कौन सा है, उसका मतलब उसका नेचर कैसा है, हर एक चीज़ आपको उसमें बताया जाता है। तो मैं बोलना चाहूँगा अगर आप आते हो तो ट्राई करना कि आप इलेक्ट्रिक रिक्शा इलेक्ट्रिक कार में जाने के, जिसका खाली 40 रुपये है। अभी यहाँ पे वापस आया हूँ मैं वाइट टाइगर देखने के लिए, और यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, मतलब दिख रहा आप पैसा वसूल करके जाऊँगा मैं। तो एक्चुअली ये कलर्ड वेरियंट है बंगाल टाइगर का, वहाँ पे ही हो केज के, मतलब उसके जहाँ पे खाना वगैरह मिलता है उधर ही घूम रहा बार बार, शायद से उसके खाने का टाइम हो चुका है। तो अभी वाइट टाइगर देख के बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे इतना दूर आया हो तो मतलब वाइट टाइगर अगर देखे भी ना गया तो मेरा मतलब अधूरा टाइप हो जाएगा। तो बहुत इंडिया के बहुत ही कम जू में आपको वाइट टाइगर देखने मिलेगा, उसमें से एक है ये पुणे का जू जो कि यहाँ पे देखने मिला, और भी कई सारे हम लोग आगे जू कवर करने वाले हैं मेरे इस चैनल में, तो मज़ा आया इस वीडियो में। तो अभी हम लोग अंदर से जाके आ चुके हैं, बाहर पूरा कंप्लीट हो गया, हम लोग आ गए मेन गेट पे यहाँ पे। तो पूरा आपको कवर करने के लिए टोटल 2 घंटा लग सकता है, 1.5 से 2 घंटा मिनिमम आपको लगेगा इसे कवर करने के लिए। अगर आप टाइम अगर कहीं पे और ज़्यादा लगाते तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपको मैंने बोला था कि अंदर कोई भी आपको शॉप देखने नहीं मिलेगा या होटल देखने नहीं मिलेगा, तो अपने साथ यहाँ पे पानी कैरी करें, आपको अंदर पानी नहीं मिलेगा, मतलब पानी की आपको कई सारे ऐसे नल वगैरह मिलेंगे पर आपके साथ बॉटल कैरी करना कम से कम, ये अंदर बहुत प्यास लगता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करने में टाइम लग जाता है यहाँ पे। तो मैं बोलना चाहूँगा अपने साथ पानी का बॉटल कैरी करें, नहीं तो पानी कैरी करें जो कि अच्छा होगा। और अभी यहाँ से बाहर निकल के हम लोग नाश्ता या खाना खाने देखेंगे बाहर किधर,
तो और आज के लिए बस इतना ही, होप करता हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।